हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका डिकी किचन में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली वीडियो में एक रेसिपी दिखाई थी बेसन की पटौड़ी की, तो उसकी करी की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको राजस्थान में पितौड़ की सब्जी बोलते हैं और इसको महाराष्ट्र में पटौड़ी का रस्सा बोलते हैं। बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पाटोड़ी की रेसिपी का वीडियो या पित्तौड़ की रेसिपी का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर पहले देख ले, उसके बाद ही एक करी का रेसिपी आप देख ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बेल बटन है उसको भी आप क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, पाटोड़ी की करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई यहाँ पर रख दी है और हम मसाले बना लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी इसमें। तो पहले हमें यहाँ पे ये प्याज को भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस बड़े साइज में दो बड़े प्याज लिए हैं। तो प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है। उसके साथ हमें ये लहसुन भी ऐड करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सूखा नारियल कद्दूकस कर लिया है तो ये भी इसमें ऐड करना है हमें। इसके साथ ये सफ़ेद तिल है तो ये भी ऐड करना है हमें। एक खसखस है तो ये भी ऐड करके हमें इन सबको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये मसाले भून चुके हैं तो इसको अब हम इस मिक्सी की जार में ऐड करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे बिना पानी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिक्सी की जार में मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है फिर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और तेल को हमें गर्म कर लेना है अच्छे से। तो पाटोड़ी की जो करी होती है उसके लिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही रहता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने ये मसाला बना दिया है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक हमने पेस्ट बना दिया है। तो इन मसालों को हमें तेल में 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल कोल्हापुरी मसाला। इसकी जगह आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना आप लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करें। मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं तेल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है उतनी पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी जो करी होती है थोड़ी सी पतली होती है तो हम पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है स्वादानुसार नमक। और इस करी को अच्छे से हम उबाल लाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पाटोड़ी या पित्तौड़ की सब्जी की करी बनकर तैयार है। तो ये महाराष्ट्र में बहुत ही एक फेमस रेसिपी है पाटोड़ी रस्सा। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इसको आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको नया कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही अनोखे और मज़ेदार रेसिपी में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।